टिंडा नेवरा में बहुत धड़ल्ले से सरकारी जमीनों की अवैध उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। आप सबके दर्शन हुए, अभी दो दिन पहले ही छेरछेरा पुण्य मनाया, नगरों बधाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायखेड़ा पहुंचे। तिल्दा के ग्राम रायखेड़ा में वह छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के तिल्दा राज के अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। सामाजिक कार्यक्रम में आया था और रायखेड़ा में एक बड़ा तालाब है जिस सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा की और यहाँ स्वामी आत्मानंद अग्रिजी जी इसको सड़क मानते थी और मैंने घोषणा की और सभी किसान वर्ग से आते हैं कुर्मी समाज के लोग सब धान बिक्री सोसाइटियों में समुचित रूप से संचालित हो रहा है, सब लोगों ने संतोष। टिंडा नेवरा में बहुत धड़ल्ले से सरकारी जमीनों की अवैध उसका कब्जा हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। आपने जानकारी दी, मैं अभी एरिया वगैरह है उनको बोल देता हूँ। थैंक यू सर। सुनिए सर, अभी जो चुनाव हुआ गुजरात में चुनाव होने पे आप पार्टी कारण कांग्रेस पूरी तरह से डह गई, क्या यहाँ भी यही स्थिति हो सकती है? अगर आप लड़ेगी तो आप किस स्थिति में रहेगी? आप पार्टी पिछले समय भी लड़के देख ली है और ये भारतीय जनता पार्टी कोशिश ही रहती है। अभी जैसे चुनाव हुआ उसमें यही जानकारी है कि पीछे से सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी हम 21,000 वोट जीते। तो देखो ऐसा है कि काट हंडी एक बार ही चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता, अब वो प्रयोग सफल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी कल। और आरक्षण की बात ये है, अभी जिस प्रकार से अमित शाह जी आके कल वोट गए हैं, ये प्रदेश के नेताओं के बात में नहीं आना चाहिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात में आके राज्यपाल दुर्जम फंस गई हो, पहले तो बोली थी एक दिन में हस्ताक्षर, एक घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन वो काफ़ी परिसर से पर्ची आया उसके बाद वो अटक गया है। तो आज आरक्षण के मामले में दुविधा में राज्यपाल अमित शाह जी भी कल आए और बोल के गए थे, इनकी चट मैं वही कह रहा हूँ कि राज्यपाल दुविधा में फंस गए हैं। केंद्रीय मंत्री कम से कम सचेत रहें इस प्रकार की बात न करें, क्योंकि जितने घोटाले हुए हैं तो रमन सिंह के शासनकाल में वो सब जानते हैं। शाह जी ने एक ये भी बात कही कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती, एक तरफ हम चुनाव जीतेंगे, कल कोरबा में बोले। पिछले समय भी आए थे 65 पार की बात बोले थे और मैंने कहा था कि वो हमारे लिए बोले हैं अमित शाह जी, और हुआ यही 65 की जगह 68 सीट जीते, अब तो 71 हो गए। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, तो इसका मतलब ये है कि